बारिश, उफ ये बारिश कल रात से गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। किस किस को पसंद है ये बारिश का मौसम? जैसे आपने देखा इतना बारिश हो रहा था, और शादी के पहले ना मुझे भी पसंद था, पर अब काम की वजह से ना इरिटेट होने लगी हूँ यार मैं। तो आपने देखा है ना गार्डन में कितना सारा फ्लावर खिला है, तो मैंने सोचा चलिए आज आपको अपना गार्डन घुमा ही देती हूँ और दिखाती हूँ मेरे छोटे से गार्डन में क्या क्या है फ्लावर। तो आइए मेरे साथ गाइस, आज का ब्लॉग है नेचर पे बेस करके, तो आज मैं आपको घुमाऊंगी मेरे गार्डन में। और ये है मेरे घर के फ्रंट साइड में जो इंडोर प्लांट्स होता है, वो हमारे से बैल्कोनी नहीं है तो हम सामने में ही रख देते हैं घर के एंट्री पॉइंट पे। ये है टॉप्स में लगा हुआ एक पौधा पिंक कलर का, और उसके साइड में देखिए कली है छोटा सा, ये व्हाइट कलर का होता है। और मुझे पता नहीं दो पौधे एक साथ है या एक ही में ऐसा फ्लावर तो नहीं आएगा, शायद दो पौधे एक साथ ही लगा हुआ है। और ये है एक इंडोर प्लांट, इसका जो पत्ते हैं वो लीव्स जो होता है वो ग्रीन कलर का, और नीचे का पत्ते जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, एक शायद निकला हुआ है। और ये है बैम्बू शूट, ऐसा ही कहते हैं शायद इसको। और इसमें जो पौधे आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ये फ्लावर पौधा ही है, मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। और ये है एक पौधा जो आप ज़मीन पे भी लगा सकते हैं, वाइट कलर का फ्लावर आता है इसमें, और ये बहुत बड़े हो जाते हैं, पेड़ बन जाता है और वाइट कलर का फ्लावर खिलता है। ये अभी छोटा है, इसमें अभी तक एक भी फ्लावर भी नहीं आया है। और ये है मेरा फेवरेट एलोवेरा प्लांट, और इसमें आप बहुत ही यूज़फुल है। और ये जो है मैरीगोल्ड का पौधा लगा हुआ है, इन बाद में मैं निकालूंगी यहाँ से, ये भी एक इंडोर प्लांट है जो मेरे घर के सामने रखा हुआ है, इसका नाम नहीं पता मेरे को। ये वही प्लांट है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। और ये है ऑरेंज कलर का रोज़ जो खिला नहीं है, और देखिए पूरा पानी पानी हो गया है बारिश की वजह से। अभी आइए मेरे घर के बैक साइड में, और ये है ज़मीन पे लगा हुआ एक पौधा, इसमें रेड कलर का फ्लावर आता है। और ये है रोज़ पिंक कलर का जो कली अभी निकला हुआ है, अभी तक खिला नहीं है फ्लावर। और ये है हैबिकस यानी जौबा, हम लोग बंगाली में जौबा कहते हैं, ये पिंक कलर का होता है। और ये है जौबा ही एक दूसरे कलर में, ग्रीन एंड रेड कलर में, और ये बहुत सारे एक साथ खिलते हैं। ये पौधे नहीं, अभी पेड़ बन गया है, तो इसमें बहुत सारा फूल जो है एक साथ खिलने लगता है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है ये। ये तो जनरली सबके घर में ही होता है ये जो फूल है, ये जो पौधे हैं पर्पल कलर का, पर इसका नाम ना मेरे को पता नहीं है, पर इसका नाम ज़रूर पता है। ये है बेली फूल वाइट कलर में, और ये हम लोगों के घर पे ना दो टाइप्स हैं इसका, जो देख रहे हैं ना फ्लावर थोड़ा छोटा छोटा आता है ना, और ये पिंक कलर में दूसरा जौबा, और ये ढेर सारे एक साथ खिलते हैं, और भगवान जी को चढ़ाने में भी आसानी होती है क्योंकि बाहर कहीं जाना भी नहीं पड़ता, घर पे सब फ्लावर एक साथ मिल जाता है। और ये सब मेरे हब्बी का कमाल है, यानी उसने ही लगाया है सब पेड़ पौधे को, उसका शौक है। मैं भी कभी कभी पानी दे देती हूँ पर उतना नहीं। ये एक पिंक कलर का ग्लास फूल है, हम लोग इसे ग्लास फूल कहते हैं, देखने में आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि ये वाइट कलर का है, पर नहीं, ये बेबी पिंक कलर का होता है, हमारे घर पे जो है ये बेबी पिंक कलर का है। और ये है जौबा, और रेड कलर का जौबा, ये ज़्यादा खिलता नहीं है, एक दो ही एक साथ खिलते हैं, पर जो भी है। और ये मैंने जो जैसे आपको कहा था दूसरे टाइप्स का बेली, ये देखिए बड़ा बड़ा साइज का एक साथ खिलते हैं, बहुत सारे हैं ये। यहाँ पे क्या है ना, एक साथ ना सब फ्लावर जो है
खिलने लगते हैं, पर जब आपका जब कोई पूजा होता है, पूजा वगैरह होता है, तब ना देख ऐसा मेरे साथ ही होता है कि नहीं पता नहीं फूल खिलते ही नहीं है तब। और ये वाइट कलर का, इसका नाम नहीं पता मेरे को। और ये है सबसे फेवरेट मेरा पिंक कलर का जोपा है बिकस। और मेरा पिंक कलर वैसे तो फेवरेट है नहीं, पर ये फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारा एक साथ खिलता है, वो भी 2 महीने में एक बार। जब खिलता है तो बहुत सारे खिलता है, जब खिलता नहीं है तो नहीं है, तब मिलता ही नहीं है फूल। बहुत ही सुंदर लगता है मुझे ये फ्लावर। तो मैं ना एक ऑरेंज कलर का फ्लावर भी लगाऊंगी हिबिस्कस। ये हवा का झोंका आया, एक ऑरेंज कलर का लगाऊंगी हिबिस्कस। ऑरेंज कलर का हिबिस्कस बहुत ही सुंदर लगता है, अगर मैं कभी लगाऊंगी ना मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। ये है गोंधराज फ्लावर का पौधा, हम लोग बंगाली में गोंधराज फ्लावर बोलते हैं। इसमें कली आया है पर फूल नहीं खिला है। मजा आया है ना, और थोड़ा सा गमले भी मैंने एक्स्ट्रा करके रख दिया है शनिदेव जी को चराने का। शनिदेव जी को चराऊंगी संध्या के टाइम में। तो मेरा तो शनिदेव जी का पूजा जो है वो कंप्लीट हो गया है। हर शनिवार को ही पूजा करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड जो है वो चालीसा करते हैं, पर पॉसिबल नहीं होता है ना हमेशा वीडियो करके काम करूं। और इस बार मैं थोड़ा सा ही क्लिपिंग ऐड किया हूं मेरे ब्लॉग पे, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं पूजा करूंगी तब मैं श्योरली आपके लिए पोस्ट करूंगी। मैं आ गई हूं पूजा देखे और थोड़ा सा थक भी गई हूं, पर आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।